today's topic is division of the rational number. Last video में properties of multiplications of the rational number समझाए थे, उन पर based कुछ questions भी बताए थे. आज आपका है division of the rational number. If a and b are two rational number, यदि a और b दो rational number हैं, such that कैसे हैं c upon d, a upon b and c upon d are the two rational number. Such that c upon d is not equal to 0. यानी c upon d क्या होना चाहिए? वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. We define a upon b divide by c upon d. यानी हम क्या करेंगे? इसे divide की जगह पे multiply का sign लगा देंगे और इस वाली rational number को reciprocal कर देंगे. यानी a upon b multiply इसका reciprocal क्या होगा? d upon c. सारे क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है. एक्सरसाइज 1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सिंपलीफाई करना है. -8 डिवाइड बाय -7 अपॉन 16. सिंपलीफाई करना है. ये जो सिंबल है वो किसका है? डिवीजन का. तो क्या करेंगे यहां पे? इसके जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और इसको क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे. यानी उसका उल्टा कर देंगे. यानी -8 मल्टीप्लाई इसका उल्टा क्या होगा? -16 अपॉन 7 अपॉन 1 किया का न्यूमरेटर से न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से. अब ये सिंपलीफाई हो नहीं पाएगा तो ये क्या हो गया? इसके स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई. और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से किया तो क्या आएगा? प्लस. क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसको वेरीफाई करना है. 13/5 डिवाइड बाय 26/10 इक्वल टू 26/10 डिवाइड बाय 13/5. भाई वेरीफाई ये करना है कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल होनी चाहिए? राइट हैंड साइड के इक्वल होनी चाहिए. तो हमने क्या कर दिया? उसकी लेफ्ट हैंड साइड ली. जैसा बताया था आपको, डिवाइड किया किसका साइन आएगा? मल्टीप्लाई का. और इसको क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल. तो हमने 5 से सॉल्व किया. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26. बचा क्या? 2, 2 अपॉन 2, 2 से 2 के आंसर आया. क्या आया इसका रिजल्ट? 1. अब यदि हमने राइट हैंड साइड 26 डिवाइड बाई 13 अपॉन 5 क्या करेंगे? इसकी जगह पे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और इस रेशियो नंबर को क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल. तो 26/10 मल्टीप्लाई 5/13. इसको सिंपलीफाई करेंगे. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 2 से 2 के आंसर. यानी क्या ये वेरीफाई हो गया? लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है? राइट हैंड साइड के इक्वल. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर. हमें दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है -9. उनमें से एक नंबर क्या दे रखा है? -12. फाइंड द अदर नंबर. हमने क्या कर लिया? उस अदर नंबर को मान लिया एक्स और इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है? -12. तो हमने एक सॉल्व कर दिया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व कर दिया. अब इसको क्या करेंगे? डिवाइड में लेके जाएंगे तो क्या होगा? माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा. इसको हम सिंपलीफाई करेंगे तो क्या आएगा? 3 4 जा 12, 3 3 जा 9. आंसर क्या आया इसका? 4/3. देखो, इन पर बेस्ड एक्सरसाइज 1 ही आपको करनी है. पहले क्वेश्चन में क्या करना है आपको? सिंपलीफाई करना है. सिंपल सिंपलीफाई जो करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको समझा दिया वेरीफाई किस तरीके से करना है. क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या करना है आपको? ये वेरीफाई करना है, बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स. जैसे हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड किया है उसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे. इस तरीके सारे क्वेश्चंस करेंगे. आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्कस कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर से.